हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सीखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ डोमेन और रेंजेस हम कैसे उनके प्लॉट से देखकर निकालते हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होने वाली है। लिंक आप लोगों को उन दो लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है किस भी फॉर्म में आए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज अच्छे से पता होनी चाहिए। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं वो करना है। बस थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर ये रहेगा, क्लास 10th में हम करते थे 0, 30, 45, 40, 60, then 90, है ना, वो नहीं यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है जी, और ये कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं जो हमारे यहाँ पर काम आएंगे। ये कहाँ पढ़े थे हमने, ये पढ़े थे हमने क्लास प्लस वन के। ठीक है, वहाँ पर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लेक्चर यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर वो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जो भी हमें यहाँ पर दिया होगा साइन इनवर्स -1/2 जैसे यहाँ पर दिया है, उसको आपने किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया -1/2 और ये बन गया साइन वाई। ठीक है, अब 1/2 आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखेंगे कौन से एंगल की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है साइन के केस में। साइन थीटा, थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 है, पाई बाय 6। तो हम -1/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 6। ठीक है, इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या सिचुएशन है, माइनस ऑफ साइन एक्स है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, -π/6 इज इक्वल टू साइन वाई। तो साइन साइन आपस में कंपेयर कर दिए, सो वाई की वैल्यू आ गई -π/6। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद आपने चेक करना है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है क्या वो इसकी रेंज को बिलोंग करती है, साइन की रेंज को। साइन इनवर्स का था ना, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2। क्या वो इस रेंज को बिलोंग करती है, बिल्कुल कर रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट बिलोंग्स टू द -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स एक्स की, सो देयरफॉर जो वाई की वैल्यू है वो -π/6 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज करना है, सो वेरिएबल के इक्वल y सपोज कर लिया। ठीक है, कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे, π/6। ठीक है, सो हम √3/2 पे लिखेंगे कॉस π/6। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस π/6 इज इक्वल टू कॉस वाई, कोई नेगेटिव साइन का कोई इशू नहीं है, सो हम सीधा कंपेयर करके लिखेंगे वाई इज इक्वल टू π/6, पॉजिटिव π/6, है ना। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, 0 to π, तो 0 to π के बीच में ही आता है π/6। ठीक है, इट बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू π/6, ये वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, कोसिकेंट इनवर्स 2। तो यहाँ पर इसको मानेंगे सबसे पहले लेट
कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू y, कोसिकेंट को उधर ले जाएंगे सो ये बन गया कोसिकेंट y. अब कोसिकेंट की कौन सी वैल्यू 2 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखो, ये रहा कोसिकेंट और 2 वैल्यू होती है पाई बाय 6, ठीक है. तो हम यहाँ पर 2 की जगह पर लिखेंगे कोसिकेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोसिकेंट y. नेगेटिव साइन का कोई इशू नहीं है, कंपेरिजन करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 6 आ रही है, ठीक है. बट हमें कोसिकेंट की पहले रेंज चेक करनी होगी. तो कोसिकेंट की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज ब्रैकेट, उसमें से 0 एक्सक्लूड किया होता है, ठीक है. तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, सो इट बिलोंग्स टू क्या, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है, माइनस 0, ठीक है. सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू पाई बाय 6. अगर सिंपल वो वैल्यू उस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रही है तो कोई इशू नहीं होता, अगर वो नहीं आ रही है फिर हमें कोई ना कोई आगे स्टेप करना पड़ता है. नेक्स्ट मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखो टैन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, तो क्या करेंगे, लेट tan inverse माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू y, किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लिया, अब tan को उधर ले जाइए, माइनस रूट 3 इज इक्वल टू tan y, ठीक है. अब tan की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है चेक करते हैं, तो tan ये रहा और रूट 3 ये रहा, तो पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, सो माइनस tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू tan y. अब हमारे पास यहाँ पर माइनस टैन है ना, तो यहाँ पर टैन है, सो हमारे पास ये चीज़ है और हमें इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, सो टैन क्या चला जाएगा, माइनस इसके अंदर चला जाएगा, इज इक्वल टू टैन वाई, टैन टैन कंपेयर करा, सो वाई की वैल्यू आई माइनस पाई बाय 3. अब क्या ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, सो ये रहा हमारे पास टैन और ये माइनस पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट टू पाई बाय 2, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, सो इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट, सो देयरफॉर वाई की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय 3 है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, कॉज इनवर्स माइनस 1/2. अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करूँगी, कॉज इनवर्स माइनस 1/2 को हमने मान लिया y, कॉज को उधर ले जाते हैं, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉज y, ठीक है. अब यहाँ पर 1/2 वैल्यू कॉज की कौन सी होती है, तो 1/2 होती है पाई बाय 3, ठीक है, सो ये आ जाएगा माइनस कॉज पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉज y. ये आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉज है, यहाँ पर कॉज है, तो अब हमारे पास माइनस कॉज एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है. तो माइनस कॉज को कैसे लिखेंगे, कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स क्या है यहाँ पर, पाई बाई 3. बस जब कॉज के आगे इस तरह से नेगेटिव हो तो उसकी हमें चेंज करना पड़ता है. अब आप नॉर्मली भी अगर देखेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 3 ले लूँ, है ना, वाई की वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 3 ले लूँ, तो ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी बिलोंग नहीं करेगी. देखो 0 टू पाई होता है, तो माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता. तो इसीलिए हमें कॉज को हमेशा क्या करना पड़ता है, पाई माइनस, अगर माइनस का हो, माइनस का कॉज एक्स हो, तो कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा. पाई माइनस पाई बाय 3 हो गया कॉज वाई, तो पाई माइनस पाई बाय 3 ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस वाई. अब अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो 2 पाई बाय 3 जो है वो 0 टू पाई को बिलोंग करता है, सो वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 2 पाई बाय 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. तो टैन इनवर्स ऑफ माइनस 1, इसको हमने वाई सपोज कर लिया, माइनस 1 को इधर ही रहने देते हैं, टैन को उधर ले गए, टैन वाई हो गया. अब tan की कौन सी वैल्यू माइनस 1 होती है, हमें पता है अच्छे से, पाई बाय 4, है ना, सो माइनस ऑफ tan पाई बाय 4, माइनस वैसे ही रहेगा, 1 की जगह पर हमने लिखा tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan y. अब tan क्या करता है, tan अपने माइनस को अंदर को ले लेता है, ठीक है, सो ये हो गया tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan y. हमारे पास ये चीज़ थी, हमने ये चीज़ बना ली, ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 4. अब क्या ये tan की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करती है, तो चेक करो, tan ये रहा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4 इसको बिलोंग करता है, सो इट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट, सो देयरफॉर जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस पाई बाय 4 आ गई.
सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सीकेंट इनवर्स 2 बाय रूट 3. अगर आपको इसकी रेंज की, प्रिंसिपल डोमेन और रेंज की, और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की अच्छे से नॉलेज है ना, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सो सीकेंट इनवर्स 2 बाय रूट 3, इसको हमने मान लेना है सबसे पहले y के इक्वल. ठीक है, ये मान लिया, 2 बाय रूट 3 इस तरफ रह गया, सीकेंट उधर ले गई, मैं सीकेंट y बन गया. सीकेंट का देखो 2 बाय रूट 3 कौन सी एंगल की वैल्यू है, पाई बाय 6. ठीक है, तो सीकेंट पाई बाय 6 आ गया इज इक्वल टू सीकेंट y. अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस की, तो सिंपल कंपैरिजन से हमने देखा y की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 6 आ रही है. क्या ये पाई बाय 6 इसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करता है, वो भी आपको चेक करना होता है. तो ये रहा सीकेंट, सीकेंट होता है 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2. पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 टू पाई कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो ये बिलोंग करता है, y इज इक्वल टू पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2. ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है. सो देयरफॉर y की वैल्यू आएगी पाई बाय 6. ये चीज़ क्या है, एक्सेप्टेबल है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स रूट 3. तो कॉट इनवर्स रूट 3 को हम मान लेते हैं सबसे पहले y. ठीक है, और कॉट को मैं लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड पे, कॉट y. ठीक है, अब कॉट की कौन सी वैल्यू रूट 3 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखो, पाई बाय 6. सो हम इसकी जगह पे लिखेंगे कॉट पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू कॉट y. सो y की वैल्यू आ गई यहाँ से कंपैरिजन करने पे पाई बाय 6. कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, 0 टू पाई के बीच में ही है. सो 0 टू पाई को बिलोंग करती है ओपन ब्रैकेट. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 6. This is the required answer of this question. So next है question number 9, cos inverse minus 1 by root 2. इसको हम suppose करेंगे सबसे पहले y, minus 1 by root 2 is equal to y. cos उधर लेके जा रही हूँ, minus 1 by root 2 is equal to cos y. Clear है? अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, पाई बाय 4 पे. सो माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई. अगर मैं इसकी नॉर्मल वैल्यू लिखूं कि कॉस को कॉस से कंपैरिजन करके, तो वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4. तो कॉस की जो प्रिंसिपल रेंज होती है कॉस इनवर्स की, वो तो 0 टू पाई होती है ना, वो उसको बिलोंग ही नहीं करेगा. तो कॉस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई माइनस एक्स करना पड़ता है. सो क्या करेंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4. यहाँ पर एक्स क्या है, पाई बाय 4 है. सो इज इक्वल्स टू कॉस वाई. तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाय 4 आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस वाई. कंपैरिजन करने पे वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आ जाएगा. 3 पाई बाय 4 जो है वो बिलोंग करता है 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2. तो लेट करेंगे सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल के इक्वल, माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू y, राइट. अब यहाँ पर कोसिकेंट को उधर ले जाएंगे, माइनस रूट 2 इधर ही रह जाएगा, कोसिकेंट y बन गया. कोसिकेंट की कौन सी वैल्यू रूट 2 होती है, कोसिकेंट की रूट 2 वैल्यू होती है पाई बाय 4 पे. सो माइनस कोसिकेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू कोसिकेंट y. ठीक है, अब कोसिकेंट क्या करता है, अब माइनस कोसिकेंट एक्स है हमारे पास, कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा. ये माइनस अंदर ले जाओ, कोसिकेंट ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ वाई. कंपैरिजन करने पे वाई की वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाय 4. कोसिकेंट की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, उसमें से 0 नहीं होना चाहिए. तो ये बिलोंग करता है, सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज ब्रैकेट माइनस 0. ठीक है, सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय 4. सो ये वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. तो यहाँ पर देखो, हमें जो अभी हम एक एक सिंगल सिंगल करके सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक, यहाँ पर हमें प्लस करके दे दिया, तीन अलग अलग दे दिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंगल सिंगल सॉल्व करेंगे, लास्ट में इनको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं tan inverse 1 सॉल्व कर रही हूँ. सो लेट करूँगी tan inverse 1 इज इक्वल टू x, राइट. 1 इज इक्वल्स टू tan x हो गया, मैं tan को उधर ले गई.
अब tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, सो tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, पाई बाय 4. सो यहाँ पर मैं लिखूँगी tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan x. तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4. क्या ये tan की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है? सो tan हमारा ये रहा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट. सो ये बिलोंग करता है, सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट. सो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4. ठीक है, पहला वाला सॉल्व हो गया. अब दूसरे की बात करते हैं. कॉज इनवर्स ऑफ माइनस पाई 1/2, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 को लेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर y. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉज, उधर ले जा रही हूँ, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉज y. क्लियर है? अब क्या करना है, कॉज की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, कॉज की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, पाई बाय 3. सो माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस वाई. अब कॉस के केस में आपको पता ही है क्या करना होता है, पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस वाई. सो ये हो गया कॉस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस वाई. सो वाई की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3, जो कि उसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करती है ना, 0 टू पाई. सो वाई की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3. ये सेकेंड वाला भी आपका सॉल्व हो गया. थर्ड वाले पे चलते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2. सो इसके नीचे कर रही हूँ, सो लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू जेड. ओके, सो उसको उधर ले जाएंगे, माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन जेड. अब साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, सो आप देख सकते हैं साइन की हमारे पास पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 होती है. सो साइन ऑफ जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस जो है वो अंदर चला जाएगा, माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन जेड. सो यहाँ पर जेड की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6. माइनस पाई बाय 6 जो है वो बिलोंग करता है इसकी प्रिंसिपल रेंज को, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, तो जेड की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 6. क्लियर है यहाँ तक? अब तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तीनों को ऐड कर दो. सो सबसे पहली वैल्यू क्या थी, पाई बाय 4. दूसरी वैल्यू क्या थी, 2 पाई बाय 3. ठीक है, और थर्ड वाली वैल्यू माइनस पाई बाय 6. तो ये माइनस पाई बाय 6 हमने यहाँ पर डाल दिया. 4, 3 और 6 का एलसीएम, ये हो जाएगा 12. 4 3 ज़ा, ये हो जाएगा 3 पाई. 3 4 ज़ा, 4 2 ज़ा 8. 6 2 ज़ा 2 पाई. सो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 11. 11 माइनस 2 9. ठीक है, 11 माइनस 2 9 हो गया, डिवाइडेड बाई 12. तो ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे. सो आंसर इज 3 पाई बाय 4. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको एक ही स्टेप में तीनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ये सबसे सिंपल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सो आंसर इज 3 पाई बाय 4. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. ये तो क्वेश्चन नंबर 11 से भी ज़्यादा सिंपल है. देखो, कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2. तो हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले लेट कर लिया कॉज इनवर्स 1/2 को हमने x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज उधर चला जाएगा. सो 1/2 इज इक्वल टू कॉज x हो गया. अब यहाँ पर कॉज की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, पाई बाय 3. सो कॉज पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉज x. ठीक है, तो x की वैल्यू पाई बाय 3 आ रही है, जो कि उसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करती है. ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई पाई बाय 3, 0 टू पाई को बिलोंग करती है. देन साइन इनवर्स 1/2, सो लेट कर लिया साइन इनवर्स 1/2 को y. सो 1/2 इज इक्वल टू साइन y. सो 1/2 कौन सी वैल्यू होती है साइन की, हमारे पास साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है. सो साइन y इज इक्वल टू पाई बाय 6. ये प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है. सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, सो y की वैल्यू ये आ गई. अब यहाँ पर बीच में प्लस है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पर पाई बाय 3 वैल्यू पुट करी, प्लस 2 इंटू पाई बाय 6. ठीक है, सो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया. सो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो देन y की जो रेंज है वो किस तरह की होगी. अगर मैं x और साइन को उधर ले जाऊँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा. हमें अच्छे से पता है कि साइन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना. तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गए, ये तो 0 टू पाई बता रहे हैं.
हमारा मेन है आंसर माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। अब ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट देखनी है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस पाई बाय टू भी इंक्लूडेड है और पाई बाय टू भी इंक्लूडेड है। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी है। लेस देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर होना ज़रूरी है। अगर ओपन ब्रैकेट होती तो फिर हम ये वाला ऑप्शन करेक्ट करते, अगर हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज की क्लोज ब्रैकेट में है तो आंसर क्या है? माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू क्लोज्ड ब्रैकेट। सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर भी हम टैन इनवर्स रूट थ्री को अलग से सॉल्व करेंगे, सीकेंड इनवर्स माइनस टू को अलग से सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले टैन इनवर्स रूट थ्री को हम मान लेते हैं x, सो रूट थ्री हो गया टैन x। अब टैन की कौन सी वैल्यू रूट थ्री होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखेंगे पाई बाय थ्री। सो यहाँ पर टैन पाई बाय थ्री पुट करेंगे इज इक्वल टू टैन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास पाई बाय थ्री। ये तो सिंपल था, इट बिलोंग्स टू द माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ओपन ब्रैकेट, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाय थ्री। दूसरी तरफ सीकेंड इनवर्स माइनस टू, सीकेंट इनवर्स माइनस टू को मान लिया वाई, सो यहाँ पर माइनस टू आ गया सीकेंट वाई, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर सीकेंट की कौन सी वैल्यू माइनस टू टू होती है? यहाँ पर सीकेंट की कौन सी वैल्यू पाई बाय थ्री होती है। सो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर पुट करेंगे सीकेंट पाई बाय थ्री इज इक्वल टू सीकेंट वाई। अब कॉस जैसे सीकेंट भी ऐसे ही करता है, सो माइनस ऑफ सीकेंट एक्स हो तो ये क्या हो जाता है? सीकेंट ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि जो सीकेंट की प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है हमारे पास? सीकेंट की प्रिंसिपल रेंज है जीरो टू पाई, और माइनस पाई बाय टू नहीं हो सकता, तो जीरो टू पाई मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, सो क्या करेंगे? सीकेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू सीकेंट वाई, सीकेंट टू पाई बाय थ्री इज इक्वल टू सीकेंट वाई, सो वाई आ गया टू पाई बाय थ्री। अब ये इसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग करता है जीरो टू पाई, ठीक है? क्या है इसकी प्रिंसिपल रेंज? जीरो टू पाई, और बीच में से पाई बाय टू नहीं लेना होता, सो वाई की वैल्यू आ गई टू पाई बाय थ्री। क्लियर? अब क्या करना है? दोनों के बीच में माइनस है, ठीक है? सो पाई बाय थ्री माइनस टू पाई बाय थ्री, ठीक है? दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय थ्री। माइनस पाई बाय थ्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आज के वीडियो की क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।